हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जामी की वैकेंसी जिन लोगों ने भरी थी स्टार की, एमटीएस की, एलडीसी की, उसके बारे में बताऊंगा इसमें कि एमटीएस एलडीसी का क्या हुआ उसके बारे में भी बताऊंगा आपका। स्टैंडर्ड स्टार की यहाँ पे देख लीजिए, आपको नोटिस आ चुका है जिन लोगों ने स्टैंडर्ड स्टार की वैकेंसी भरी है, ये देख लीजिए आप, उनके नोटिस आया हुआ है। 22 अक्टूबर को उनका पेपर है 10:30 से 12:30 बजे। और ये टेस्ट पूरा सिलेबस देख लीजिए, टेस्ट सिलेबस है पूरा। रिटन टेस्ट शैल बी 85 मार्क्स बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रीजनिंग एबिलिटी है, सिंपल एरिथमेटिक है। ये भी बताऊंगा आपका एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा उसके बारे में भी बताऊँगा। टेस्ट सिलेबस आपको देखना है, टेस्ट सिलेबस आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको एडमिट कार्ड कैसा आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ आप jmi.ac.in पे चले जाइए। इसमें थोड़ा नीचे जाकर जॉब सेक्शन में चले जाइए, जॉब सेक्शन होगा इसमें कहीं, जॉब सेक्शन ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा जॉब सेक्शन, इसमें आपको जाना है। ये सबसे ऊपर आपके सामने आ रहा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड और रिटर्न टेस्ट 21 से 22 अक्टूबर, ये आ रहा होगा आपका डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड द रिटर्न टेस्ट शेड्यूल, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये लिंक खुल जाएगा। सबसे पहले देखिए आपके इस पर क्या आएगा। सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो भी आपकी पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये सेक्शन आएगा आपका एंटर योर नेम, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है XYZ, बिल्कुल अपना मोबाइल नंबर लिखना है आपको, मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो मोबाइल नंबर डायल कर दीजिए इसमें। यहाँ नीचे कैप्चा डालना होगा, फिर सर्च बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये खुल जाएगा आपके, ये वीवो एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके, यहाँ पे इसको आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे एडमिट कार्ड आ गया, इसको लेके आप टेस्ट देने जा सकते हैं। और एमटीएस एलडीसी की पोस्ट का क्या हुआ उसके बारे में बता दूँ कि एमटीएस एलडीसी की पोस्ट पर अभी काम चल रहा है और इसका कहते हैं इसके बारे में जल्दी नोटिफिकेशन आएगी, वो आपके जामी की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ कहाँ पर आएगी। जॉब सेक्शन में ही जाना पड़ेगा आपको, जॉब सेक्शन में जाकर यहाँ पे आपको अपडेट रहना मिलेगा हमेशा नया, यहाँ आपको ध्यान रखना है। और आपको नहीं पता चल पाता तो मैं इस पे वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा, जहाँ कि एमटीएस और एलडीसी की पोस्ट पर अभी काम चल रहा है उस पर, यानी इस बार टेस्ट होगा जिन्होंने पिछले साल उससे पहले कभी भी फॉर्म फिल किया था उसके उसका टेस्ट होना है। जो पिछले साल जिन्होंने भरा होगा या उससे पहले जो जिनके वैकेंसी अभी तक नहीं हो पा रही थी जामिया एलडीसी की पोस्ट का, वो इस बार टेस्ट ज़रूर होने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए, बाकी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, बाकी ऐसी अपडेट लेकर आता रहूँगा मैं।